चार से पांच बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं, दो कटे हुए प्याज, दो चम्मच चावल मैंने पानी में भिंगो के पहले से आधा घंटे के लिए फूलने दे दिया है जिससे ब्रेड पकौड़े क्रिस्पी बन सके। यहाँ आधा घंटा पहले पानी में भिंगो के चावल को ले लिया है, यहाँ पे इन सभी को इसमें डाल देंगे। इनके मसाले बनाएंगे। यहाँ हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है, मेरा चोखा बनके तैयार हो गया है। दो कप बेसन ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, छोटा चम्मच हल्दी ले लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला एक छोटा चम्मच, अब इसमें हम अजवाइन ले लेंगे दो चम्मच छोटे, जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था वो अब इसमें डाल देंगे। इन्हें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में रिफाइन डाल दिया है इस तरीके से, भिगो के गर्म हुआ था ना। इस तरीके से तल लेंगे दोनों साइड से। इस तरीके से हमने ब्रेड पकौड़े बना के तैयार कर लिया है।